जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल पे बिल्कुल सही पढ़ा है। आज मैं रांजनगांव MIDC और जो हमारे गणपति बप्पा है रांजनगांव के, उस एरिया में खड़ा हूँ। और यहाँ पे काफ़ी बढ़िया एक प्रोजेक्ट है जो आप देख सकते हो, ये साइड में पूरा डेवलप प्रोजेक्ट है। 2 एकड़ का छोटा प्रोजेक्ट है, लेकिन प्रोजेक्ट की खासियत ऐसे है कि पूरा प्रोजेक्ट डेवलप है। आप देख रहे हो, प्रोजेक्ट की जानकारी तो हम लेंगे ही, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस वीडियो को आपको अंत तक क्यों देखना चाहिए वो यहाँ पे रीज़न समझना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने मिला के, अभी लेटेस्ट न्यूज़ थी 1 महीने पहले की, कि जो राजनगांव MIDC है वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो क्लस्टर है उसको सैंक्शन किया गया है। और ये जो नगर रोड है, ये पुणे नगर रोड, यहाँ से 900 मीटर पे पुणे नगर रोड है जो 8 लेन का होने वाला है, और डबल ब्रिज है जो वागुली से निकाल के शिरूर तक जाने वाला है। ये नितिन गडकरी जी ने बहुत बड़ी घोषणा की थी, जिसका आप गूगल पे जाके न्यूज़ भी देख सकते हो और मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। तो ऐसे 2 बड़े न्यूज़ की वजह से क्या होने वाला है कि जो रियल इस्टेट है इस नगर रोड का, पुणे नगर रोड का, शिरूर से लेके पूरा खराड़ी तक, ये पूरा चेंज होने वाला है। और ये प्लॉट आपको जिस तरह से लेने का मिल रहा है, ये या इस प्लॉट को लेने की जो ऑफर है, आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट में हर कोई कैसे ले सकता है, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना आपको बहुत ज़रूरी है, ताकि ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो और आप ये ना कह सको कि हम प्लॉट नहीं ले सकते। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हर कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है और प्लॉट ले सकता है। तो आइए अभी हम लोकेशन, ऑफर और प्लॉटिंग, इस सारी चीज़ों के बारे में बारीकी से समझते हैं। तो साथियों, सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं। तो अगर लोकेशन मैं बताना चाहूँ तो मैं नगर रोड पे, पुणे नगर रोड से 900 मीटर की तरफ, अंदर की तरफ यहाँ पे खड़ा हूँ। और यहाँ से 5 किलोमीटर पे रांजनगांव गणपति है, और उससे 2 किलोमीटर आगे MIDC है। और ये जो मेरे पीछे आप रोड देख रहे हो, ये पुणे नगर रोड से ले आता है ये रोड, 900 मीटर पे ये प्रोजेक्ट है। और यहाँ से निमगांव माड़ुंगी जो गांव है उस विलेज की तरफ ये रोड जाता है। तो ऐसा ये लोकेशन है, प्राइम लोकेशन। और जो MIDC है, MIDC में आपको पता है LG, वर्लपूल, हायर, ये सारी बड़ी कंपनी इस MIDC में, 5-स्टार MIDC काफ़ी बड़ी है। और ये मैन्युफैक्चरिंग जो इलेक्ट्रॉनिक यूनिट है उसकी ये MIDC है। और ये जो पुणे नगर रोड है, ये इसके बारे में मैंने पहले भी बताया कि ये 8 लेन का बड़ा रोड हो रहा है, और डबल मंजिला ये पूरा रोड होने वाला है ये बाहर का। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट पे आने के लिए आपको यहाँ पे काफ़ी बड़ा लैंडमार्क है होटल 712 करके, जो काफ़ी ब्यूटीफुल होटल है। तो उस होटल से आप अगर पुणे से रांजनगांव की तरफ आ रहे हो तो राइट टर्न करना पड़ेगा, और रांजनगांव से अगर पुणे की तरफ जा रहे हो तो लेफ्ट टर्न करना पड़ेगा। तो उस मेन रोड पे आपको ये प्रोजेक्ट पड़ेगा। और ये जो रोड दिख रहे हो आप, ये रोड आगे तलेगांव डमढरे में जाता है, जो 8 लेन, ये भी सैंक्शन रोड है। तो ये भी रोड काफ़ी बड़े होने वाला है फ्यूचर में। तो ऐसा ये प्राइम लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट बसा हुआ है। तो साथियों, अभी हम प्रोजेक्ट के बारे में समझेंगे। तो प्रोजेक्ट की अगर पूरे एरिया की बात करें तो 2 एकड़ में ये पूरा प्रोजेक्ट है, और 2 एकड़ में 54 प्लॉट यहाँ पे लेआउट में बिठाया गया। आप स्क्रीन पे लेआउट देख सकते हो। ये मेन रोड है 18 फीट का, और जो इंटरनल रोड है तो टोटल 5 रोड है इंटरनल ये साइड में। और आप देख सकते हो डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पे, रोड तो पूरा बन के रेडी है। उसके अलावा डिमार्केशन जो है वो भी आपको यहाँ पे हर प्लॉट का डिमार्केशन मिल जाएगा। और जो प्लॉट का एरिया है वो यहाँ पे ऐसे लिखा है, देखिए ये 2840 स्क्वायर फुट का 54 नंबर का प्लॉट है। और ऐसे ही अगर आप आगे आगे आओगे तो आगे आगे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 1 नंबर का प्लॉट है ये साइड में, जिसका एरिया यहाँ पे लिखा है 2885 स्क्वायर फुट का। तो जो मिनिमम प्लॉट साइज़ है यहाँ पे वो है कम से कम आप यहाँ पे 790 स्क्वायर फुट का प्लॉट ले सकते हो, और सबसे बड़ा जो प्लॉट है वो 2840 स्क्वायर फुट का है। और 1000 स्क्वायर फुट के सारे प्लॉट यहाँ पे इन्होंने बनाए। अभी इस प्लॉट के साथ आपको क्या क्या मिल रहा है कि प्लॉट के सामने से यहाँ पे एक पानी का जो लाइन है, पानी का टैप होता है आपको, वो यहाँ पे मिल रहे हैं। उसके अलावा लाइट जो देख रहे हो आप, ये स्ट्रीट लाइट है, यहाँ पे 3 फेज का स्ट्रीट लाइट का खंभे जो है वो खड़े किए गए, लाइन लगाना बाकी है। उसके अलावा डिमार्केशन आपको यहाँ पे हर प्लॉट को मिल रही है, और ड्रेनेज जो सिस्टम है वो भी आपको यहाँ पे मिल रही है। और जो बेसिक प्लॉट को जो ज़रूरी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। वायर फेंसिंग पूरे प्रोजेक्ट को किया गया है, वो साइड में काफ़ी बड़ा वाटर सोर्स है, आप देख सकते हो। अगल बगल में गन्ने का खेती हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पानी का कोई इशू नहीं है, पानी काफ़ी बड़े लेवल पे है। तो जो बेसिक चीज़ें लगती है एक प्लॉट के साथ, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलमोस्ट बन के रेडी है। अभी सिर्फ यहाँ पे जो लाइट है उसको वायर लगाना यहाँ पे बाकी है,
और बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई है। सेलिंग भी चालू है, लगभग 54 में से एक 50% प्लॉट यहाँ पे सोल्ड आउट है। तो ऐसा ये प्लॉट है, छोटा प्लॉट है लेकिन काफ़ी प्राइम लोकेशन पे, क्योंकि हाईवे यहीं से दिखता है आपको आँखों से, तो वो काफ़ी अच्छी यूएसपी मुझे यहाँ पे लगती है। प्लॉटिंग काफ़ी लोगों के यहाँ पे चल रही है, लेकिन जो मेन रोड है वो यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, पुणे नगर रोड, तो वो काफ़ी बड़ा यूएसपी है। तो आइए अभी हम यहाँ का जो ज़बरदस्त यहाँ पे ऑफ़र दिए बिल्डर ने उसको समझते हैं, क्योंकि ये ऑफ़र समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि ऐसे ऑफ़र में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो यहाँ पे प्लॉट नहीं ले सकता है। आप कोई छोटे से छोटा भी अगर काम कर रहे हो या बड़े से बड़ा, हर कोई यहाँ पे प्लॉट ले सकता है। तो अभी मैं आपको आखिर में ऑफ़र बताता हूँ। तो साथियों, आखिर में हम लोग ऑफ़र की बात करते हैं कि किस तरह से आप यहाँ पे हर कोई प्लॉट ले सकता है, ये जो मैं बोल रहा हूँ बार बार, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो प्रोसेस है वो ऐसे कि मिनिमम आप 1000 स्क्वायर फुट प्लॉट को आपको यहाँ पे लेना होगा। और यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है कि अगर आप 1000 स्क्वायर फुट भी प्लॉट लेते हो तो भी आपका यहाँ पे एग्रीमेंट हो जाएगा और 7/12 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी का जोन जो है वो एग्रीकल्चर है, लेकिन फिर भी आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये शिरूर तालुका में पड़ता है ये जो लैंड है, और इसका एग्रीमेंट जो है वो तलेगांव में होता है। तो जैसे ही आप एक 1000 स्क्वायर फुट प्लॉट लेते हो तो आपका ऐसे नाम लिखकर आपके इस पे मिल जाएगा। जैसे अभी ये 50 नंबर का प्लॉट है, यहाँ पे अजय सोनी लिखा है, तो ऐसे आपको आपका ना यहाँ पे जो नेम बोर्ड है वहाँ पे आपको आपका नाम लिख के मिल जाएगा। तो मान लो अगर आप 1000 स्क्वायर फुट प्लॉट लेते हो तो उसमें क्या होगा, आपको सबसे पहले 10000 का यहाँ पे टोकन देना होगा अगर आपको प्लॉट पसंद आता है तो। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि इनका जो ऑफिस है वो यहाँ पे रांजनगांव में भी है और चंदन नगर में भी ऑफिस है। अगर आप चंदन नगर तक आते हो तो आपको फी पिकअप ड्रॉप की फैसिलिटी भी यहाँ पे बिल्डर की तरफ से मिल जाएगी। उसके अलावा रांजनगांव में भी इनका ऑफिस है। ये संस्कृति डेवलपर का प्रोजेक्ट है जिन्होंने पिछले 15 साल में ऐसे 25 प्रोजेक्ट का डिलीवर कर चुके और काफ़ी हैप्पी कस्टमर है इनके। इस रांजनगांव में भी इनके 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट का जो रेट है वो 400 रुपये स्क्वायर फुट का रेट इन्होंने निकाला है, जैसे 4 लाख रुपये गुंठा। और आगे और एक प्रोजेक्ट है जिसका 6 लाख रुपये गुंठा है। तो ये ईएमआई में प्लॉट बेचा जा रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पे 10000 रुपये टोकन देना पड़ेगा, उसके बाद 1 या 1.5 महीने में आपको 50% अमाउंट यहाँ पे जमा करनी पड़ेगी। मान लो 4 लाख रुपये गुंठे का रेट है और आपने 10000 रुपये दिया है तो 1,90,000 आपको 1 से 1.5 महीने में आपको जमा करने पड़ेंगे एक गुंठे के लिए। और बचा हुआ जो 2 लाख रुपये वो आपको 2 साल में देना है, वो भी कोई आपको इस पर ब्याज नहीं लगेगा, 0% इंटरेस्ट पे आप थोड़े थोड़े किस्तों में दे सकते हो यहाँ पे। तो अगर ईएमआई की बात करें तो 8 से 10 हज़ार का ईएमआई आएगा। तो इसके हिसाब से देखोगे तो आपको सिर्फ 300 रुपये का रोज सेविंग करना पड़ेगा, और वो सेविंग करके अगर आपके घर में 3-4 लोग भी रहते हैं और हर कोई डेली 100 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट अगर बाजू में निकालता है तो भी 300 रुपये बनते हैं, और महीने की अगर बात करें तो 9000 रुपये आराम से बन जाते हैं। तो वो आप लेके यहाँ पे बिल्डर को सबमिट कर सकते हो और आपका जो सपनों का प्लॉट है वो यहाँ पे ले सकते हो। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो तो इससे अच्छा समय हो नहीं सकता इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो 8 लेन का बड़ा रोड बन रहा है, ऑलरेडी ये पुणे नगर हाईवे है ही लेकिन 8 लेन का काफ़ी बड़ा रोड बन रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो स्कीम अभी 500 CR का जो फंड रेस किया हुआ है वो बहुत बड़ी बात है, और उसके वजह से करीबन 1.5 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आने की संभावना है। तो यहाँ का जो रियल इस्टेट है वो काफ़ी बूम होने वाला है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि पूरे टेबल प्लॉट होते हैं, तो अगर जब आप कंस्ट्रक्शन करना है की कोशिश करोगे तो भी आपको घर बनाते वक्त यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऑफ़र जो है वो काफ़ी बढ़िया ऑफ़र इन्होंने दी है। और उसके अलावा और एक ऑफ़र है, अगर आप 10 गुंठा यहाँ परचेस करते हो तो उसके साथ 1 गुंठा आपको फ्री भी मिल रहा है। यह भी बिल्डर ने यहाँ पे एक नई अभी 26 जनवरी को ये एक नया ऑफ़र यहाँ पे लॉन्च किया है। तो अगर आप पुणे नगर पे रोड पे प्रॉपर्टी देख रहे हो और आपके पास 1 टाइम पेमेंट भी नहीं है फिर भी ये ऑफ़र आपके लिए काफ़ी सही है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये 54 प्लॉट है यहाँ पे आप प्लॉट परचेस कर सकते हो। हर एंगल से अगर आप देखोगे तो आपको ये प्लॉटिंग सही लगेगा। अगर आपका बजट कम है फिर भी यहाँ पे आप प्लॉट ले सकते हो। उसके अलावा अगर आप 1 टाइम पेमेंट नहीं दे सकते हो फिर भी आप यहाँ पे प्लॉट ले सकते हो। बैंक अगर आपका लोन नहीं हो रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी ले सकते हो। और ट्रस्ट की कोई बात नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट है वो देख सकते हो, पूरी तरह से डेवलप कर दिया है। ऐसे नहीं कि फ्यूचर में आपको कोई कमिटमेंट यहाँ पे बिल्डर की तरफ से मिल रही है, और काफ़ी ट्रस्टेड बिल्डर है। संस्कृति जिन्होंने 25 प्रोजेक्ट का पजेशन दिया हो तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा काम यहाँ पे संस्कृति डेवलपर का चल रहा है। तो अगर आपके और भी कोई सवाल है तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कीजिए, और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि पुणे का एक नंबर का चैनल अभी हमारा फिलहाल बन चुका है, टॉपर चैनल है, और काफ़ी अच्छे ऑफर्स और काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट पूरे पुणे के हम लोग लेके आते हैं।
तो सीखने जैसे भी बहुत सारी बातें हमारे प्रोजेक्ट पे, हमारे चैनल पे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, हमारे फैमिली के साथ जुड़े रहिए, और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए आप, क्योंकि डेली हम एक वीडियो तो अपलोड करते ही है। जल्दी मिलते हैं नए प्रोजेक्ट और नए लोकेशन के साथ, तब तक के लिए हमेशा की तरह स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।